ये गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज समीर एंड यू आर वॉचिंग एम एस क्यू ब्लॉग्स। तो गाइज हम लोग हैं कुर्ला में, चिंदी मार्केट के पास है और ये कंपाउंड का नाम है इंटरनेशनल कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ है फात भाई और हमारे साथ है साजिद भाई। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में और दो बकरे देखने वाले हैं। फर्स्ट एक वीडियो हम लोग ने शूट किया और अभी ये जो है दूसरा वीडियो है, इसमें भी हम लोग दो अलग बकरे दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है, तो आइए बात करेंगे फात भाई से और साजिद भाई से और जानेंगे इन बकरों की डिटेल। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। तो भाई ये दोनों भी पतीरा में ही है? ये दोनों भी पतीरा में ही है, ये हैदराबादी पतीरा बोल लो। ओके, लेकिन वाइट आइज नहीं है, नॉर्मल आइज है, ये पतीरा है। ये प्योर पतीरा है ना भाई? मेरे को तो हाईपाइड लगता है। ओके, मैं तो प्योर नहीं बोल पाऊंगा भाई। हाँ हाँ, ये हाईपाइड लगता है, कान थोड़े से लंबे हैं। ओके, थोड़ा अलग है, पंच है। तो पतीरा का क्या फर्क होता है? पतीरा के भाई पत्ते काना थे, जैसा पिछले पहले वीडियो में देखे रहेंगे, जो सेकंड साजिद भाई ने पकड़े थे, वो प्योर पतीरा की निशानी। ओके, फेस अलग है उसका, फेस अलग होता है। ओके, प्रॉपर छोटी सींग है, ज्यादा बड़ी सींग नहीं है। इसकी सींग अभी इतनी बड़ी हो गई है ना? बचपन में इतनी बड़ी है भाई, अभी ये 4.5-5 महीने का ही बच्चा है। अच्छा। ओके, और क्या वेट वगैरह है दोनों बकरों का? इसका जो मेरे हाथ में है भाई, ये 22 रहेगा, ये 20 किलो तक बढ़ेगा। 20 किलो तक होगा वो आराम से, है ना? 18 से 20 के बीच में ही रहेगा। ये बकरे कुछ ऐसे लग रहे हैं, मतलब वो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम था, बीमार उमार थे कुछ प्रॉब्लम? क्लाइमेट सेट करते थोड़ा प्रॉब्लम आई, मतलब लग रहा है खाने पीने सब कुछ सेट है, महीने भर के ऊपर ही हो गया है। ओके, यहाँ पर देख के ले ले। हाँ हाँ, बता देंगे क्या ट्रीटमेंट हुआ है, नहीं हुआ है। हाँ हाँ, डॉक्टर ने जो जो ट्रीटमेंट करा है अपने पास में सब पूरा अपन बता देंगे। अभी बकरे भाई क्लाइमेट बीच में आपको पता है कि बारिश के टाइम पे बकरे आए थे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन माशाल्लाह से रिकवर्ड है। सही है। और एक इसमें कैसा, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मतलब बकरा अभी भी डाउन है या लगता है कि नहीं है, तो हमारे पास फ्लाइट पे छोड़ देते, इंशाल्लाह ठीक कर देंगे। सही है, मतलब ये एक अच्छा पॉइंट आपने बताया कि मतलब बकरा अगर अपनी जगह छोड़ता है तो फिर ये कहीं और जाएंगे तो फिर रिवर्स होंगे, बुखार आएगा, पानी बदलता है, जगह बदलती है, तो भी प्रॉब्लम्स आती है। सही है, तो वो प्रॉब्लम्स की वजह से बकरों को वापस से प्रॉब्लम, मतलब जो है वजन वगैरह का प्रॉब्लम आएगा। तो इससे अच्छा है अगर आपको किसी को पसंद आता है, फाहद भाई खुद का अपना फार्म रन करते हैं, इनका पलाई का कॉन्सेप्ट भी है, तो यहाँ पर अगर आप फार्म पे इनके यहाँ पर ही पलाई पे छोड़ दे तो बेस्ट हो जाएगा। पलाई में कुछ नेगोशिएशन कुछ रहेगा कम ज़्यादा अगर आपसे खरीद के कोई ले लेगा? इतना अच्छा रेटिंग इंशाल्लाह के बाहर भी नहीं मिलेगा। अच्छा, में लोगों का शौक कराएंगे। ओके, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि कुर्ला में है ये जगह, और अगर आपको लगता है कि बकरे थोड़े कमज़ोर है तो आप इनके पास दे दीजिए, आपके बकरों की अच्छी खासी खातिरदारी यहाँ पे की जाएगी, इनकी देखरेख की जाएगी, और अगर उसके बाद आपको लगता है कि बकरे अभी मेरे फिट एंड फाइन ले जाने लायक है तो फिर आप यहाँ से आराम से ले जा सकते हैं, है ना? ठीक है, इन दोनों बकरों की आइज जो है कलर नॉर्मल है, नॉर्मल है। ठीक है, मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, हम लोग इतना इससे बोल रहे हैं क्योंकि हमारे जो डॉक्टर है वो हमारे पास ही रहते हैं, मतलब वो जस्ट वन कॉल अवे, ऐसा है। और अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो कभी हमको मना भी नहीं करते, ना ही कभी। ओके, टाइम ऑन डेट। अच्छा, वैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो लोगों का थिंकिंग क्या होगा, मान लो कि बकरे बीमार है शायद, इसलिए लोग इस टॉपिक पे ज्यादा बात कर रहे हैं, तो ये चीज हम लोग बता दें कि ये सिर्फ हम लोग लोगों की सहूलत के लिए बोल रहे हैं, बकरे बाकी फिट एंड फाइन बोल रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे पास चार बकरे और पलाई पर आए हुए हैं, तो मैं उनका भी बात बताऊँ आपको, ये बकरे कैसा है भाई, दूसरे फार्म पे चले गए, छोटे मोटे फार्म खुले अभी, तो वहाँ लेकिन डॉक्टर का वहाँ पे सहूलत नहीं है, लोग अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अब जैसा हमारा पलाई का कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग उसमें जो भी चार्ज लेते हैं तो डॉक्टर चार्ज उसमें रहता ही है। सही है, तो हम लोग माशाल्लाह से कि डॉक्टर का जो है काम वो डॉक्टर ही करता है। हम लोग कुछ अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते ना? करते हैं भाई, ऐसा नहीं कि नहीं करते, जहाँ तक मतलब जो बेसिक नॉलेज है वो अपन करते हैं, हम सब करते हैं भाई, लेकिन डॉक्टर की मौजूदगी में करते हैं। डॉक्टर हमको बोलता है जैसे कि अभी देना है, तो हम लोग दे देते हैं। ओके, लेकिन डॉक्टर बोलेगा तो ही। सही है, ठीक है ना समीर भाई, वो लोग 24/7 ऑल फील्ड है, उन लोग को पता है कि क्या नया बीमारी आ रहा है, कौन से क्या वायरस आ रहा है, क्योर होता है, फास्ट क्योर थी अपने को। गोल्ड फार्मिंग अभी एक अलग लेवल पे है, सब चीज रिजल्ट भी
फास्ट चाहिए, सब कुछ फास्ट चाहिए। बेस्ट है कि डॉक्टर ही है हमारा, लोग आके यहाँ देख भी सकते हैं। सही है, आप एक ओवरव्यू भी दे दो अगर चाहिए तो, अगर बकरे पल रहे हैं, बड़े बकरे भी है, छोटे बकरे। ठीक है, हम लोग है ना, शॉर्टेज है अभी। ओके, माशाल्लाह से बड़ी जगह का हो गया, इंशाल्लाह पहला वीडियो हम MSQ पे डालेंगे इंशाल्लाह। और अभी इन बकरों का रेट वगैरह हम लोग क्या कोट कर रहे हैं? इसका भी भाई वही रेट है, 16,000 नेगोशिएबल है। और अगर भाई एक बात और ऐड करूँगा, अगर कोई पट्टी में लेता है तो कैसा है, यहाँ पर आ जाए, बात कर ले साजिद भाई, ये बकरे साजिद भाई के, मैं बताना चाहूँगा, साजिद भाई थोड़े अभी न्यू है, फर्स्ट टाइम कैमरे पे आए हो। हाँ हाँ, और अपने बहुत पुराने दोस्त है, आपके पुराने दोस्त है, हाँ जानते हो। हाँ हाँ, तो ऐसा है कि कोई आ जाए यहाँ, नेगोशिएट कर ले हम लोग, इंशाल्लाह बकरे देके भेजेंगे उनको। हाँ, हम यहाँ रेट दे देंगे, बकरे देके भेजेंगे अपन, है ना? ठीक है, तो ठीक है, हम लोग इसका 16,000 रुपये ये लोग कोट कर रहे हैं। नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर लेना। कुरला चिंदी गली के पास इंटरनेशनल कंपाउंड इस जगह का नाम है। ठीक है सर, मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, कोई लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, हाँ हाँ, तो डायरेक्ट ना आए भाई, प्रायर कॉल कर दीजिए, क्योंकि कभी हम लोग आगे पीछे होते हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। और कॉल करें, अगर कॉल नहीं लगता है तो व्हाट्सएप कॉल करें, क्योंकि कॉल नहीं लगता है घर पे रहते तो व्हाट्सएप कॉल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकोगे, है ना? ठीक है, बकरों को, ये बकरों को थोड़ा अपन चला के दिखा दें, ये देखो माशाल्लाह। ठीक है, ये अंदर सेटअप की बात कर रहे थे, ओके, ये पूरा सेटअप है, यहाँ पे कुछ बकरे भी है पलाई पर, बकरे अभी यहाँ से कुछ बकरे नहीं, यहाँ पे जितने बकरे हैं माशाल्लाह से अल्लाह के एहसान है, सारे बकरे पलाई पर। अच्छा, सब पलाई पर, इसमें अपना कोई पर्सनल नहीं है ना, कोई पर्सनल बकरा भी फिलहाल नहीं है माशाल्लाह। ठीक है, तो और अभी इससे बड़ा सेटअप होने जा रहा है, एक आध दो महीने के अंदर, कभी तक हो जाएगा? 15 दिन पकड़ो, 15 दिन के लगभग समझो नया सेटअप हो जाएगा, तो वहाँ पे और बड़ी जगह देखने को मिलेगी आप लोगों को इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये वीडियो क्लोज करते हैं फहद भाई जी। भाई तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।